वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दुर्गा मूर्ति का फर्मा कैसे बनता है। जो डिजाइनें वाली मूर्तियां हैं उनका पीछे का बैकग्राउंड बनाने के लिए हमको बांस और लकड़ी लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। जितना मुझे पता है मैं आप सबको बताने के आप प्रयास करूँगा कि किस तरह से बैकग्राउंड वाली मूर्तियों का फर्मा बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आप सब बने रहिए पूरी वीडियो में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम लकड़ी का फर्मा तैयार कर लेंगे। मैंने पहले ही तैयार कर लिया है, फिर भी बताता हूँ आप सबको इस तरह से बनाते हैं। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और इसको दोस्तों अच्छी तरह से जाम कर लेंगे ताकि ढांचा जो है वह टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और मैंने इसमें तीन तीन छेद किया है पीछे के साइड, तो आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। जितनी बड़ी मूर्ति बनानी हो, जितना हैवी बैकग्राउंड बनाना हो। तो अब इस तरह से बांस को छील लेंगे और बांस छीलने के बाद हम लोग उसमें लकड़ी में बने होल में डालेंगे। तो इस तरह दोस्तों लकड़ी के होल में डालेंगे और ऊपर से ठोकेंगे, सारे बांस को डाल लेंगे अच्छे से। दोस्तों आप लोग ज़्यादा भी होल करके ज़्यादा भी बांस डाल सकते हैं, जिस हिसाब से मूर्ति हैवी बैकग्राउंड बनाना हो। मुझे हल्की ही मूर्ति बनानी है, तो राउंडिंग वाला बैकग्राउंड बनाना है, नाग वगैरह का बैकग्राउंड बनेगा, तो इसलिए ज़्यादा मजबूती नहीं चाहिए। इस वजह से मैंने तीन ही होल किया। ये मैंने ठोक लिया है सारा बांस। अभी इसको पलट के पीछे से इसमें कील मार देंगे। इस तरह से कील मारने से दोस्तों क्या होता है कि आपका बांस जो है वो लकड़ी में जाम हो जाता है और निकलता नहीं है, क्योंकि सारा वजन या सारा बेस यही है, बांस ही है, इसी पर आपकी सारी मूर्ति टिकी रहेगी। तो इस तरह से पीछे हम गोल बांस लगा सकते हैं। गोल बांस लगाने से क्या होता है कि ये जगह ज़्यादा लेता है, जिससे बांस में सपोर्ट अच्छा बना रहता है। तो इस तरह से लगाएंगे और इसको भी ठोक लेंगे खिली से। और अब ये दूसरा बांस थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे। इसको भी गोल बांस ले सकते हैं दोस्तों, या फिर आप फड़ा हुआ बांस भी ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। वैसे गोल बांस में खिली मारने में आसानी होती है, इस वजह से मैंने गोल बांस लिया। और ये दोस्तों सपोर्ट के लिए हम ये डंडी लगाएंगे ताकि ये जो खड़ा किया हुआ डंडी है वो आगे पीछे ना जाए, अच्छे से जाम हो जाए। ये देखिए इस तरह से मारेंगे, दोनों डंडी में मारेंगे आगे पीछे दोनों, और जो बढ़ा हुआ भाग है उसको बाद में काट लेंगे। और ये पीछे का बैकग्राउंड दोस्तों, बैकग्राउंड में इस तरह से सपोर्ट मारेंगे ताकि लेफ्ट राइट ना हो। सकते हैं ये हमारा बैकग्राउंड के लिए फर्मा जो है वो रेडी हो चुका है। और अब हम मूर्ति के लिए अलग से इसमें डंडियाँ निकाल के उसमें मूर्ति को बैठाएंगे या खड़ा करेंगे, जैसे भी हमको बनाना पड़ेगा। तो चलिए गाइज एक बार आप लोगों को अच्छे से दिखाते हैं किस तरह से फर्मा बन के रेडी हुआ है, आप लोग देखिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ इससे सीखे होंगे। तो ये अपना फ्रंट, ये फ्रंट है, अच्छे से दिखे। दोस्तों फाइनली हमारा फर्मा जो है वो बन के तैयार हो गया है, इस तरह से बना है। तो दोस्तों अभी जो दुर्गा माता के लिए जो डंडी निकाला जाएगा जिसमें वो रहेंगी, अभी मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मैं
पहले ही मूर्ति बांध लेता हूँ और बाद में उसको जाम कर लेता हूँ, नीचे ही मूर्ति बांध लेता हूँ। तो आप लोग उसमें डायरेक्ट भी बांध सकते हैं और नीचे से बांध कर भी जाम कर सकते हैं उसमें, तो आप लोग जैसा चाहते हैं। और इसमें मूर्ति बांधते टाइम का मैं वीडियो अपलोड करूँगा, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो ज़रूर अपलोड करूँगा। तो आप लोग देखिएगा किस तरह से बनाऊँगा, और अदरवाइज आप लोग अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ये सारे फर्मा मैंने बनाया है जिसमें सारी मूर्तियाँ बंधेंगी, और सारी मूर्तियाँ माता दुर्गा जी की बंधेंगी, कुछ डिजाइने वाली होंगी।